नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये बहुत ही बेहतरीन पन्ना रत्न, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल एमरल्ड भी बोलते हैं। दोस्तों, ये कुदरती पन्ना है, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से, किसी भी तरह के हीटिंग से एकदम फ्री है। ये पन्ना जाम्बियन क्वालिटी का पन्ना है, यानी जाम्बियन माइंस का पन्ना है। बेहद ही खूबसूरत हरा रंग है इसका, जैसे हरे पत्तों का रंग होता है जब बारिश होती है, उसके बाद जिस तरह से पत्ते खिलते हैं और उनमें एक बहुत ही चमकदार हरा रंग आता है, ठीक उसी तरह से इस पन्ने का भी रंग उसी के समान, उन्हीं पत्तों के समान बेहद चमकदार हरा कलर है। दोस्तों, दूसरी बात इस पन्ने के अंदर जो खास है वो ये है कि इस पन्ने को जब हम पीछे पलटते हैं तो इसमें एक चोटी भी है, यानी टिप जिसे हम कहते हैं। और अगर हम वजन यानी वेट की बात करें तो ये पन्ना रत्न तकरीबन 10.25 रत्ती का पन्ना है, 10.25 रत्ती, जो कि पन्ने के अंदर काफ़ी बेहतरीन साइज़ है, काफ़ी बेहतरीन वजन है इस पन्ने का। टिप की होने की खासियत ये होती है दोस्तों कि जब हम किसी भी स्टोन की अंगूठी या लॉकेट बनाते हैं या किसी भी प्रकार का यंत्र बनाते हैं, तो टिप होने के बाद वो स्टोन बॉडी से और भी अच्छे तरह से टच हो पाता है। ऐसे लगता है कि उसकी सारी ऊर्जा उसकी चोटी में है, उसकी टिप में है। दोस्तों, मेरे पास जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं, तो अभी हाल में ही मेरे पास एक भाई साहब का फ़ोन आया था, उनका नाम श्रीमान अनिल था। अनिल जी का एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न था कि क्या पन्ने को गोल्ड में पहना जा सकता है। किसी ने उनको बताया आप गोल्ड में पहनिए, किसी ने उनको बताया आप चांदी में पहनिए, और लास्ट में अनिल जी कन्फ्यूज़ हो गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, पन्ना यानी एमरल्ड स्टोन कभी भी गोल्ड में नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, पन्ना रत्न हमेशा चांदी में ही धारण करना चाहिए, चाहे वो चांदी की अंगूठी हो, चाहे वो चांदी का लॉकेट हो। जो कोई भी बोलता है कि पन्ना गोल्ड में पहनना चाहिए, दोस्तों शायद उसको वैदिक ज्योतिष की नॉलेज थोड़ी कम है, और जब नॉलेज कम होती है तो वो दूसरों के लिए हानिकारक बन जाती है। जब भी हम पन्ने को गोल्ड में पहनते हैं, सोने में उसको धारण करते हैं, तो इससे हमारे अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है दोस्तों। और पन्ना गोल्ड में पहनने के बाद उसका असर हमारी मेंटल हेल्थ यानी हमारी जो बुद्धि है उस पर भी पड़ता है। कभी कभी इंसान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ सकता है और छोटी छोटी बातों को लेके वो चिड़चिड़ापन महसूस कर सकता है। यदि आप किसी भी अच्छे वैदिक ज्योतिषी से संपर्क करेंगे या उसे अपनी कुंडली दिखाएंगे, तो वैदिक ज्योतिषी हमेशा यही बोलेंगे कि आप वेद और शास्त्र के अनुसार ही रत्नों को धारण करिए, और हर रत्न का सही मेटल होता है। गोल्ड का नेचर दोस्तों गर्म माना गया है, हॉट माना गया है, और इससे पन्ने के अंदर हीट पैदा होती है, गर्माहट पैदा होती है। और पन्ना जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सौम्य रत्न है, वो क्रूर रत्न नहीं है, वो बहुत ही सौम्य रत्न होता है। उसका मिजाज थोड़ा कूल है, इसी वजह से जब हॉट और कूल चीज़ मिक्स होंगी तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट, उसका रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये ऐसी बात हो गई कि आप एक बहुत ही गर्म तवे पे अचानक से ठंडा पानी छोड़ दीजिए या कुछ बूंद ठंडे पानी की छिड़क दीजिए, उसके बाद आपने देखा है कि क्या होता है, तवे से अचानक से एक धुआं सा निकलता है, एक भाप सी निकलती है। तो इसी तरह का रिएक्शन आपके अंदर से भी निकलेगा यदि आप पन्ना गोल्ड में पहनते हैं तो। दोस्तों, इस पन्ने को लेडीज़ और जेंट्स दोनों जातक पहन सकते हैं। मैं दोबारा से बोलूँगा, इस पन्ने का वज़न 10.25 रत्ती है,
बेहद ही खूबसूरत जाम्बियन एमरल्ड, जाम्बियन पन्ना है। फ्रेश ग्रीन कलर है इसका, अनहीटेड है, अनट्रीटेड है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। और जहां तक हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो जब इस पन्ने को आप थोड़ा सा रोशनी में लेके देखेंगे तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है। यही पन्ना अगर और भी ट्रांसपेरेंट होता, जो कि अधिकतर बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, बहुत ही महंगे पन्ने की कैटेगरी में वो पन्ने आ जाते हैं, तो यही पन्ना अगर और भी ट्रांसपेरेंट होता तो शायद इसकी खूबसूरती और भी निखर के आती। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर आपको इसके लिए बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ता दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप अभी चैनल पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, हमसे जुड़े रहिए। और जब जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तब तब मुझे साहस मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके समक्ष और भी अच्छी जानकारी और भी अच्छे रत्न लेके आऊं। और ईश्वर की कृपा से आप सबका सही मार्गदर्शन कर सकूं। जिन लोगों को मुझसे टेलीफोन पे बात करनी है या ज्योतिष विषय पे कोई कंसल्टेंसी करनी है, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो दिमाग दिया है वो अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे थॉट्स को सोचने के वजह से दिया है, पर्पस से दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हम अपनी मेंटल एनर्जी छोटी छोटी बातों में और अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स, अनवांटेड डिस्कशन पे व्यर्थ वेस्ट करें अपनी। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे दोबारा एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।